आपसे एंटी एजिंग फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके चेहरे पे समय से पहले एजिंग के साइन नज़र आते हैं, आपका चेहरा लूज होने लग गया है, लटकने लग गया है और समय से पहले आपके चेहरे पे बुढ़ापा आने लग गया है, आपकी उम्र तो कम है लेकिन आपका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा एज का लगता है, बहुत ज़्यादा एज आपकी लगने लग गई है, आपका चेहरा बिल्कुल सेक करने लग गया, लटकने लग गया है और आपके रिंकल्स आने लग गए हैं, रिंकल्स आ जाते हैं जैसे हमारे चेहरे पे यहाँ पे रिंकल आ जाते हैं, यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं, वैसे जो प्रॉब्लम हो रही है आपको सबको हमें जो भी DIY फेस पैक शेयर करने का, हमारा जो रहन सहन है, हमारा खान पान है वो आजकल अच्छे से नहीं हो पाता है और हमारा जो रूटीन है हम उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वो आपको धीरे 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 आपके स्किन पे वर्क करेगा, आपकी स्किन को जो लूज हो चुकी स्किन है उसको ठीक करेगा और आपके जो चेहरे की जो रंगत है उसको भी सुधारने के लिए आपको घर पे सब कुछ मिल जाएगा, बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ घर में मिलेगा, घर की चीज़ों से हम बनाएंगे। हो सकता है वो ना भी हो तो आप मार्केट में इजीली आप इसको मंगवा सकती हैं और फिर अपने फेस पे यूज कर सकती हैं। इससे कोई आपके चेहरे पे साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, आपके चेहरे पे कोई भी इससे मतलब जो होता है ना केमिकल की चीज़ें होती हैं और इससे हमारे चेहरे पे साइड आपको मतलब नेचुरल तरीके से आपकी जो जितने भी समस्या है, जितने भी आपकी झुर्रियाँ रिंकल्स ये सब की प्रॉब्लम है उसको नेचुरल तरीके से ठीक करेगा और आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो लेके आएगा। अगर आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है, आपकी रंगत को सुधारेगा, आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हो गए हैं उसको भी ये ठीक करेगा और आपकी स्किन जो होती है अनइवन नज़र आती है उसको भी ये ठीक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं फेस पैक हमको कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊँगी, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा डिटेल में देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है फ्लैक्स सीड्स। जी हाँ दोस्तों, आपको फ्लैक्स सीड्स लेना है, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा होता है फ्लैक्स सीड्स। फिर आपको क्या करना है, इसमें मिल्क लेना है, मिल्क रॉ मिल्क जो होता है हमको वही लेना है, इसमें हमको डाल देना है। तो देख सकते हैं मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। फिर आपको इसमें डाल देना है मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी आपको लेना है। फिर इसमें डाल दीजिए एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जेल आपको लेना है, पतंजलि का है मेरे पास, अगर आपके पास जो भी एलोवेरा जेल हो वो आप ले सकते हैं। तो ये एक चम्मच के लगभग मैं इसमें एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर दूंगी। फिर आपको ले लेना है हनी। जी हाँ दोस्तों, आपको हनी लेना है। तो देख सकते हैं मैंने एक चम्मच के लगभग हनी लिया है, एक बन के रेडी हो चुका है। अब अपने फेस पे लगाएंगे तो अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और फिर क्या करना है, आप अपने बालों को अच्छे से कवर कर लीजिए। फेस को पहले सबसे पहले आपको पोंछ लेना है। सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ, आज मैं गुलाब जल ले रही हूँ, गुलाब जल से अपने फेस पे मतलब क्लीन करूँगी अपने फेस को। तो गुलाब जल से अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। जो भी आपने अब इस फेस पैक को अब अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं। जो फ्लेक्सीड होती है वो रिंकल्स पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट इसे मिलने वाले हैं। अगर आप इसको डेली यूज नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में दो बार आप इसको यूज करते रहे ताकि आपके रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं वो सबको ये धीरे 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 ख़त्म कर देगा। सो गाइस, अच्छे से मसाज कर लिए मैंने, अब आपको क्या करना है, अपने फेस पे इसको पूरे को अच्छे से फेस पे को अच्छे से अप्लाई कर लेना है, बिल्कुल मोटा मोटा परत आपको लगा लेनी है। देख सकते हैं मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, अब आपको क्या करना है, इसको 10 मिनट के लिए ड्राई होने देना है, फिर आप अपना चेहरा वॉश कर लें। तो गाइस, ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब हम इसको साफ कर लेते हैं। तो पहले मैं अपने फेस को गुलाब जल की हेल्प से गीला कर लेती हूँ।
साफ कर लेना है। देख सकते हैं कितना शाइन आ गया चेहरे पे। देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो चेहरे पे आ गया है। पहले की जो स्किन और जो ये स्किन देख सकते हैं आप, कितना अच्छा रिजल्ट मिला है इस फेस पैक से। तो देख सकते हैं आप, सब कुछ मैं आपके सामने ही इसको रिमूव करके दिखा रही हूँ, साफ करके दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मेकअप किया है या कुछ किया है, आपके सामने ही इसको साफ करके दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो चेहरे पे आ गया है। अगर जिस किसी को भी रिंकल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है, रिंकल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, समय से पहले आपको रिंकल्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो इसको आप रोज़ यूज करें, तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलेगा। तब आपकी जो रिंकल्स है वो ठीक होने में 1-2 महीना लग जाएगा। अगर आपके चेहरे पे काले दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, तो उसको भी ये ठीक करेगा। ऐसा नहीं है कि रिंकल्स पे ही वर्क करता है, ये आपके स्किन जो भी स्किन प्रॉब्लम है सबको ख़त्म करेगा, सबको ठीक करेगा। तो देख सकते हैं आप चेहरे पे ग्लो, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ गया है। सो गाइस, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।